राम राम जी, आदाब सत श्री अकाल जी। हेलो जेंटलमैन, सो जेंटलमैन क्या हाल है आपके। सो जेंटलमैन, मैं आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही बढ़िया वाले, हाई क्वालिटी और वेरी गुड डीप परफॉर्मेंस पायनियर के ये जो स्पीकर हैं आपके लिए लेके आया हूँ। और जेंटलमैन, बहुत ही खास चीज़ है ये, बहुत ही सुंदर ये पायनियर के स्पीकर आए हैं। और जेंटलमैन, यूरोप कंट्रियों में जो हाई एंड ऑडियो फाइल सुनने वाले हमारे सीनियर हैं, हम उनको अंग्रेज कह देते हैं, सो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक उनको सुनना पसंद है और वो हाई एंड म्यूज़िक सुनते हैं। और जेंटलमैन, ये जो पायनियर के स्पीकर हैं यूरोप कंट्रियों में काफ़ी प्रचलित हुए थे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इनको पसंद किया है। और जेंटलमैन, ये जो है जैपनीज स्पीकर हैं, 9-9 इंच कोन आती है। हमारा इंडियन स्टाइल है जी 2-4-6-8-10, लेकिन जो यूरोपियन कंट्री हैं या फिर जैपनीज जितने भी ब्रांड आए थे, उन्होंने अपना जो साइज़ था वो थोड़ा अलग था, उनका जो था 7 हो गया 9 हो गया, इस तरह उनका साइज़ था। सो जेंटलमैन, 3-way स्पीकर हैं, पायनियर के जैपनीज स्पीकर हैं। और जेंटलमैन, काफ़ी बड़ा इसमें बूफर मिल जाता है आपको। सो मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूं, आपको एक अच्छी जानकारी देता हूं इनके बारे में। सो चलिए, सो जेंटलमैन, ये है जी इसका मॉडल नंबर, पायनियर SZ81D, ठीक है जी। सो सबसे पहले मैं आपको ख़ास चीज़ दिखाता हूँ इसके बारे में। सो जेंटलमैन, ये ज़रा पढ़िएगा, ये है जी पायनियर इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। और जेंटलमैन, ये यूरोप कंट्रियों की जो है कॉरपोरेशन है, इसमें जो कंट्री आती हैं वो USA, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये आती हैं। और जेंटलमैन, ये जो कंपनियाज हैं लिमिटेड, ये इनके बारे में जानकारी दे रही हैं, ठीक है जी। और इनके एड्रेस वगैरह भी लिखे हुए हैं, ये देखिए। और ये जो है प्रिंट इन जापान, सो जापान में प्रिंट हुआ है। सो चलिए, अभी मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। सो सबसे पहले जेंटलमैन, स्पेसिफिकेशन चेक कर लेते हैं इसकी, 1x1 मैं आपको दिखाऊँगा। सो ये स्पेसिफिकेशन मेरे सामने है, ठीक है जी। जैपनीज चीज़ों की यही खासियत होती है जेंटलमैन, कि ये चाहे 30 साल पुराने हो चाहे 40 साल, लेकिन इसका सारा कुछ आ जाएगा स्पेसिफिकेशन में। पहले तो ये जी बुक शेल्फ स्टाइल बेस रिफ्लेक्स टाइप स्पीकर हैं। सो ये मैंने थोड़ा सा इसको ओपन भी किया हुआ है, सो साथ के साथ हम मैच करेंगे। सो ये है जी मॉडल नंबर, और हम मोबाइल पर भी यही देख रहे हैं, ठीक है जी। और 3-way स्पीकर हैं, एलुमिनियम वेपराइज्ड डोम सुपर ट्विटर लगा हुआ है, वाव। और जेंटलमैन, 66mm हाई डेंसिटी पल्प कोन ट्विटर लगा हुआ है, और 230mm इलास्टिक कॉम्पोसाइट, आगे क्या लिखा है, कोन बूफर लगा हुआ है, मैग्नेटिकली शील्डेड है ये। और जेंटलमैन, ये देखिए कितना सुंदर ये बाहर इसका जो है, ये स्टील लगा है कि क्रोम लगा है पता नहीं, बहुत ही शानदार लगता है। ये लकड़ी से जो है बॉक्स से है थोड़ा उठा हुआ है, सो ये चीज़ बहुत ही शानदार लगती है। गोल्डन कलर के इसके सेंटर जो हैं लगे हुए हैं। और ये है जी 9 इंच का बूफर इसका, 9 इंच इसका कोन है। सो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा, दिखाऊँगा। सो जेंटलमैन, चलिए चेक कर लीजिए। सो आगे है जी स्पीकरों का वेरवा, 3-way स्पीकर सिस्टम है। और देखिए जी 23 सेंटीमीटर जो है साइज़ है किसका, बूफर का। सो ये देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पे, वूफर 23 सेंटीमीटर, 9 इंच कोन टाइप, ठीक है जी। और ट्विटर का साइज़ है जी 66 सेंटीमीटर, ठीक है जी, 2 इंच कोन टाइप जो ट्विटर है। सुपर ट्विटर का साइज़ ये है जी 1.8 सेंटीमीटर,
और ये डोम ट्विटर लगा हुआ है, डोम टाइप है। और जेंटलमैन इम्पीडियंस है जो नॉमिनल इम्पीडियंस है जो दी जाती है 6 ohms में है, और इसमें आपको फ्रिक्वेंसी रेंज भी बताई गई है, ये देख लीजिए फ्रिक्वेंसी रेंज। और फ्रिक्वेंसी रेंज है जी 48 to 20,000 hertz। हर्ट्स एक साइंटिस्ट था जिसने फ्रिक्वेंसी की खोज की थी, तो उसके नाम पे इसका नाम दिया गया हर्ट्स। सेंसिटिविटी 91 dB एट 1 m डिस्टेंस है। और जेंटलमैन मैक्सिमम पावर जो इसकी वॉटेज है वो एक सिंगल स्पीकर की है 75 watt, ठीक है जी। और उसके बाद एक्सटर्नल डायमेंशन इसकी जो है दी गई है, ये देख लीजिए, मेरे ख्याल से बॉक्स की दी गई है भी, कितना चौड़ा, लंबाई चौड़ाई सारा दिया गया है। विथ 270 है, हाइट इसकी 453 है और 210 dmm है। और जेंटलमैन ये देखिए इसमें कितने, ये एक स्पीकर 5 kilo का है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। और जेंटलमैन चलिए और भी मैं आपको काफ़ी कुछ इसमें दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे जो है ये चीज़ बहुत ख़ास है इसकी, आप देखिए म्यूज़िक की दुनिया में पूरा साइंस ने कितनी खोज की है इन स्पीकरों के ऊपर। और SPL in dB, सो ये प्रॉपरली इसका ग्राफ बनाया गया है, ठीक है जी। और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ये कैसी है, ये सारा का सारा ग्राफ बना के प्रॉपरली दिया गया है। और जेंटलमैन इस तरह इतनी डीपली इन स्पीकरों पे काम होता है और फिर जाके ये एक अच्छे स्पीकर जो है कंपनी आपके लिए लेके आती हैं, इसीलिए विंटेज लवर जो हैं उनको ऐसे स्पीकर पसंद हैं। इम्पीडियंस भी यहाँ पे ये देखिए दी गई है 4, 8, 16, 32 और 64, ठीक है जी। सो इसका भी ग्राफ उन्होंने बनाया हुआ है, फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्स, ठीक है जी। सो ये 20 से लेके 20,000 तक है, सो ये बहुत ही शानदार चीज़ है। और उसके बाद जेंटलमैन इसमें बड़ा ही खास लिखा हुआ है, कैबिनेट मेंटेनेंस कैसे करनी है, यूज़ ए पॉलिशिंग क्लोथ और ड्राई क्लोथ टू वाइप और डस्ट, ये देखिए। और जेंटलमैन काफ़ी ये कैबिनेट मेंटेनेंस के बारे में इसमें लिखा हुआ है। और देखिए नोट्स में हमें क्या क्या, मेक श्योर दैट द स्पीकर कोर्ड्स आर कनेक्टेड, मतलब कि आपको स्पीकर अच्छे से लगे हुए हैं, ये तो इसका दिया गया है। और जेंटलमैन कनेक्शन ये देखिए, स्टीरियो एम्प रेड कॉर्ड ब्लैक कॉर्ड ये भी सारा बताया गया है कैसे लगाना है। कनेक्शन के बारे में इंस्टॉलेशन प्रिकॉशंस ये भी बताए गए हैं। और जेंटलमैन रखने किस तरह हैं ये देखिए, राइट स्पीकर सिस्टम और ये लेफ्ट, ये प्रॉपरली लेफ्ट और राइट का दोनों का बताया गया है, ठीक है जी। और जेंटलमैन बिफोर यूज़ करने से पहले क्या क्या करना है वो भी सारा ऑपरेटिंग सिस्टम बताया गया है, ठीक है जी। और जेंटलमैन मैं आपको बताता हूँ इसकी जो है आज के दौर में इसकी वैल्यू कितनी है और ये क्या प्राइस है इनका। सो मैंने ये देखिए यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे, ये यूरोप कंट्रियों में डॉलर्स में इनका क्या प्राइस है, सो ये देख लीजिए आपके सामने $264 इनकी कीमत है मार्केट में, जो यूरोप कंट्रियों में जो है इनकी कीमत। अगर यहाँ मंगवाने हो तो इतना ही, मतलब 10,000 रुपये तो इनके शिपिंग चार्जेस लग जाते हैं, $264 यूरोप कंट्रियों में इनकी जो है डिमांड है, कीमत है इनकी, ठीक है जी। सो जेंटलमैन चलिए इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं और इनकी लुक भी साथ में चेक करते हैं। और मैं ये जालियां उतार लेता हूं, ठीक है जी, और इनकी जालियां मैं साइड पे कर लेता हूं, जैसे मैंने एक की कर दी है वैसे ही ये दूसरे की, ये ऐसे इजीली खुल जाती हैं, ठीक है जी। और ये बहुत ही हाई क्वालिटी के स्पीकर हैं, सो एक बार देखिएगा ज़रा, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ इसकी लुक क्या कहती है। और बहुत ही शानदार स्पीकर है, मैं कॉर्नर से कॉर्नर चेक करवाऊंगा आपको, आप प्लीज़ प्रॉपरली चेक कीजिएगा एक एक चीज़ कि कितने सुंदर हैं ये स्पीकर, इट्स अ ब्यूटीफुल। ये तो थी बूफर, ये जो 9 inch इसकी कोन लगी है,
ये देखिए बहुत ही बढ़िया और शाइनियर है। और जेंटलमैन ये है जी इसका मिड रेंज, और मिड रेंज ये देख लीजिए कितना सुंदर है, बिल्कुल ब्यूटीफुल कंडीशन। और ये देखिए मैंने जैसे कहा कि ये उभरा हुआ है बाहर को है वुड से, तो ये थोड़ा सा जो है 2 या 3 सेंटीमीटर उभरा हुआ है। और जेंटलमैन बहुत ही शानदार ये स्वीटर है, ये देखिए स्वीटर ट्वीटर बूफर, सो इस तरह आप इसको जज कर सकते हैं। और इसकी वुड बड़ी ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। और ये है जी पाइनियर SZ81D, तो मैंने आपको दिखा ही दिया, फ्रंट में भी स्टिकर लगा हुआ है। एज टू एज ये वाला बहुत शानदार है। दूसरा वाला दिखाता हूँ जी, थोड़ा पास कर लेते हैं, आइए दूसरा वाला चेक कीजिए। सो एक बार ब्यूटी की अच्छे से देखिए वीडियो आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए कितने शानदार सुंदर हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी 9 इंच की कोन है इसकी, और ये देख लीजिए। और ये देखिए इसका जो है ये मिड रेंज इसको बोल देते हैं, ये कितना सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल शानदार। और जेंटलमैन इस पर भी स्टिकर लगा हुआ है प्रॉपरली। और ये है जी इसका स्वीटर, इसको छोटा डोम ट्वीटर ये लगा हुआ है। और ये जेंटलमैन बहुत ही शानदार लगते हैं स्पीकर। और जेंटलमैन चलिए अभी मैं आपको दोनों को आगे पीछे से भी दिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर परफॉर्मेंस की बारी आएगी। सो जेंटलमैन अभी तो मैं लुक आपको दिखा रहा हूँ इन स्पीकरों की, सो ये देख लीजिए इट्स अ ब्यूटीफुल लुक, लाइट पड़ रही है इन पे इनके ऊपर। सो ये देखिए डिज़ाइन ठीक है जी। और उसके बाद जेंटलमैन बैक साइड से प्रॉपरली चेक करवा देता हूँ, और बिल्कुल एज टू एज देखिए आप, बिल्कुल सुंदर हैं ये, 30 या 35 साल पुराने स्पीकर हैं, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए बेस रिफ्लेक्स के लिए यहाँ पे होल दिया गया है। और जेंटलमैन जैसा कि मैंने कहा कि एज टू एज देखिए, सो मैंने ये देखिए यहाँ पे भी वुड बड़ा ही अच्छा है। और ये इसका स्टिकर है 75W 6 ohms पाइनियर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी मेड इन जापान, ये है राइट स्पीकर, मैंने उल्टा रखा हुआ थोड़ा। सो ये सीरीज़ है, शायद ये 94 के बने हुए हों, पक्का नहीं पता, ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है R2। और जेंटलमैन चलिए आइए इसके ऊपर, सो ये देखिए कितना शानदार है ये स्पीकर, और इसमें भी स्टिकर लगा हुआ है, ये देख लीजिए। और जेंटलमैन एक चीज़ नोटिस की, इसमें वाइट कलर का स्टिकर लगा हुआ है, इसमें जो है रेड कलर का, सो ये इनको खास बनाती है। सो जेंटलमैन ये देखिए नीचे को आते हैं धीरे धीरे, सो बहुत ही स्पेशल, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है ये स्पीकर ठीक है जी। मैंने आपको इसकी लुक दिखानी थी, क्या शानदार स्पीकर हैं, क्या जानदार चीज़ है। सो ये देखिए एक बार, और चलिए अभी इसकी परफॉर्मेंस हो जाए। सो जेंटलमैन चलिए अभी बारी आती है इसकी परफॉर्मेंस की। सो जेंटलमैन हिंदी गाना मैं इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। मैं नॉन कॉपीराइट अभी सुनाऊंगा क्योंकि यूट्यूब की मर्यादा है। सो चलिए प्ले करते हैं। Oh, 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 oh
बहुत शानदार साउंड है इनका, स्टीरियो एम्प पे चल रहे हैं, स्टीरियो एम्प। एक और गाना सुनते हैं, जेंटलमैन म्यूजिक बंद करते हैं। सो जेंटलमैन NCS का म्यूजिक है, आप डायरेक्ट सुन के देख लें आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके पास बहुत अच्छे स्पीकर हैं तो NCS के म्यूजिक को भी बहुत अच्छा बना देते हैं ये जो स्पीकर। और जेंटलमैन आपने क्लैरिटी सुन ही ली है इनकी। और जेंटलमैन मैं फिर कहता हूँ, अगर आपने हिंदी गाने सुनने हैं तो इंस्टाग्राम पर आइए, वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस चेक कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर इसकी भी वीडियो बनाई हुई है। सो जेंटलमैन, चलिए मैं अभी इसका प्राइस बता देता हूँ आपको। ये आपको 20,000 के मिल जाएंगे, 20,000 के ये आपको मिल जाएंगे, शिपिंग के अलग होंगे, ऑल इंडिया में आप कहीं भी इनको शिपिंग करवा सकते हैं, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, आप हंसते मुस्कुराते खुश रहें, गुनगुनाते तंदुरुस्त रहें, और जेंटलमैन जुड़े रहें यूट्यूब के साथ, देखते रहें मेरा चैनल एंटीक शॉप इंडिया। गॉड ब्लेस यू जी।